दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स के भी पसीने छूट जाते हैं। और इस खिलाड़ी ने अपने शानदार खेल से न केवल खुद का बल्कि देश का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत को वर्ल्ड कप जितवाने वाले प्लेयर, सिक्सर किंग के नाम से पहचाने जाने वाले युवराज सिंह के बारे में, जिन्होंने अपने लाजवाब खेल से तो सभी को प्रभावित किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी हरा कर लोगों को इंस्पायर किया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम जानते हैं युवराज सिंह की पूरी लाइफ स्टोरी को, जो कि आपको जरूर मोटिवेट करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 दिसंबर 1981 से, जब पंजाब के चंडीगढ़ में युवराज सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम योगराज सिंह है, जो कि खुद भी एक समय पर इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं। साथ ही उनकी माँ का नाम शबनम सिंह है। हालांकि दोस्तों, योगराज सिंह और शबनम सिंह का रिश्ता ज्यादा नहीं चला, और जब युवराज काफी छोटे थे तभी दोनों का तलाक हो गया था, और इसीलिए युवराज की मां ने उन्हें अकेले ही पाला पोसा। हालांकि बचपन में अपने पिता को क्रिकेट खेलते हुए देखकर युवराज के अंदर भी इस खेल के प्रति चाह पैदा हो गई, और उन्होंने भी भविष्य में एक अच्छा क्रिकेटर बनने का सोच लिया था। हालांकि DAV पब्लिक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के साथ ही वह रोलर स्केटिंग के खेल में भी काफी अच्छे हो गए थे, और उन्होंने नेशनल अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप भी अपने नाम किया था। हालांकि युवराज के पिता चाहते थे कि वह एक अच्छे क्रिकेटर बने, क्योंकि युवराज सिंह के अंदर उन्होंने वह काबिलियत देख लिया था जो कि हर किसी में नहीं होता है। और फिर अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए युवराज ने भी जी जान लगा दी, और फिर समय बीतने के साथ ही युवराज सिंह एक अच्छे बैट्समैन के तौर पर सामने आए। और फिर 1995-96 में उनके शानदार टैलेंट को देखते हुए उन्हें पंजाब की अंडर 16 टीम में शामिल किया गया, और फिर यहाँ भी अच्छे परफॉर्मेंस के बाद वह पंजाब के ही अंडर 19 टीम में भी खेलते हुए नजर आए। और फिर इसी तरह से आगे चलकर उन्हें साल 2000 में वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया की अंडर 19 टीम में भी खिलाया गया, और इस टूर्नामेंट में वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। और फिर अपने शानदार खेल से उन्होंने सभी को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि इसी साल उन्हें ICC नॉकआउट ट्रॉफी में भारत के इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में भी शामिल कर लिया गया। और फिर 3 अक्टूबर 2000 को केनिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू करने के बाद अगले 3 साल वह सिर्फ वनडे मैचों में ही नजर आते रहे। और फिर 16 अक्टूबर 2003 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू भी किया। और दोस्तों, अब तक वह समय आ चुका था जब युवराज सिंह खुद को टीम का एक अहम हिस्सा बना चुके थे। हालांकि 2007 वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारने के बाद भारतीय टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी गई, और इस युवा टीम में युवराज सिंह वाइस कैप्टन बनाए गए। और फिर 2007 में ही क्रिकेट के खेल में एक नया फॉर्मेट T20 आने के बाद से इंडिया की टीम ने पहले ICC T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया। और इसी टूर्नामेंट के एक मैच में युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। और फिर इसके बाद से भी युवराज सिंह अपने बैटिंग और बॉलिंग से सभी को प्रभावित करते रहे। हालांकि 2011 वर्ल्ड कप से लगभग 1 महीने पहले एक दिन युवराज को सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी हुई, और फिर जब उन्होंने अपने फिजियो को खुद के परेशानी के बारे में बताया तो फिजियो ने उनसे कुछ हेल्थ चेकअप करवाने के लिए कहा, लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप सर पे था इसलिए युवराज ने इन चेकअप्स को वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बाद के लिए टाल दिया। और फिर थोड़े बहुत परेशानियों के बीच ही सही, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने न केवल शानदार बैटिंग किया बल्कि बॉलिंग से भी टीम को काफी सपोर्ट किया, और इस टूर्नामेंट में 4 बार मैन ऑफ द मैच के साथ साथ वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। और इस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह के साथ साथ टीम के सभी खिलाड़ियों की मदद से भारत ने जीत हासिल की। हालांकि देश का नाम रोशन करने के बाद युवराज एक तरफ जहां खुश थे, वहीं दूसरी ओर उनकी तबीयत हर दिन के साथ ज्यादा खराब होती जा रही थी। और जब उन्होंने हेल्थ टेस्ट कराए तब पता चला कि उन्हें स्टेज 1 का कैंसर है। और फिर इस खबर को सुनकर युवराज सिंह के फैंस पूरी तरह से टूट गए, लेकिन युवराज ने बिना घबराए हुए इस बीमारी का सामना किया, और यूनाइटेड स्टेट्स जाकर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। और फिर कुछ महीनों तक क्रिकेट ग्राउंड से दूर होने के बाद 2012 में उन्होंने फिर से भारतीय टीम में वापसी की, लेकिन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को मात देने के बाद से उनके खेल में भी थोड़ा गिरावट आई, और इसी वजह से आगे चलकर वह टीम में परमानेंट जगह तो नहीं बना सके, लेकिन बीच बीच में उनकी शानदार पारी हमें जरूर देखने को मिली। और दोस्तों, अगर हम युवराज सिंह के IPL करियर की बात करें तो किंग्स 11 पंजाब, पुणे वॉरियर्स इंडिया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की तरफ से वह खेलते हुए नजर आ चुके हैं।
और आईपीएल 2019 में अपने पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए शानदार अर्धशतक लगाकर उन्होंने वापस से फॉर्म में आने की उम्मीद जगा दी है। और दोस्तों हम भी यही उम्मीद करते हैं कि युवराज सिंह अपने शानदार खेल के साथ भारतीय टीम में एक बार फिर से जरूर शामिल हों। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।